हरे कृष्णा राधे राधे। देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक ये जो 5 दिन है बहुत ज़्यादा फलकारी हैं। आप इसमें आकाश में दीपदान ज़रूर करिए। वैसे हमारे पूरे कार्तिक महीने में आकाश में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है, बट अगर किसी ने किसी भी कारण से नहीं किया तो वो कम से कम इन 5 दिन लग कर आकाश में दीपदान ज़रूर कर लें। अब मैं आपको बता देती हूँ आकाश में दीपदान किस तरह से करना है। आकाश में दीपदान हम खुले में करेंगे। ये देखिए मैंने देसी घी का दीप बना लिया है, इसमें आप गोल या लंबी बत्ती बना सकते हैं। अब हम चावल रखेंगे, चावल के ऊपर अपना दीवा रखेंगे। दीवे की जो ये चोंच है ये पूरब दिशा की तरफ होनी चाहिए। पूरब दिशा की तरफ रखकर अब हम दीप को प्रज्वलित करेंगे। इसमें आप लंबी या गोल कोई भी बत्ती बना सकते हो, देसी घी या तिल का तेल कुछ भी यूज कर सकते हो। अब इस दीप को प्रज्वलित करेंगे। अच्छे से प्रज्वलित करने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी है तो थोड़ा सा घी पिघला दीजिएगा। दीप प्रज्वलन के बाद अब हम इसे भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। प्रार्थना करते हुए बोलेंगे, हे भगवान विष्णु, हे यमराज, सभी देवी देवता, मेरे देव पितर, मेरे आकाश में इस दीपदान को स्वीकार करें। अपने कृपा और आशीर्वाद का हाथ हमारे पर बनाए। हे मेरे देव पितर, आपका ये दीप आपका पूरा मार्ग प्रकाश रोशनी से भर दे, और इसी तरह आप मेरा जीवन अपने आशीर्वाद से रोशनी से भर दे। सभी देवी देवताओं को ये दीप मैं समर्पित करती हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। अपनी कृपा और आशीर्वाद का सदा मेरे पर बनाए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह हम आकाश में दीपदान करेंगे और ये बहुत बहुत अच्छा होता है, स्पेशली देव उठनी एकादशी पे और कार्तिक पूर्णिमा पे तो इसे ज़रूर ही करना। आप चाहो तो 365 बत्ती का कर सकते हो या 108 बत्ती का। हम जैसे पूरे कार्तिक महीने का नियम लेते हैं तो हम एक बत्ती का करते हैं, तो पूरी तरह से आपकी इच्छा होती है। राधे राधे।